अगली यहाँ पे हो रही है कि अभी हमने आपको एग्जांपल बताया कि हमें अगर सीरियल नंबर देना है तो हमें डेटा को शॉर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि नहीं, मैं डेटा को शॉर्ट करना नहीं चाहता, मैं डेटा बिना शॉर्ट हुए ही मुझे यहाँ पे डिटेल्स दिख जाए क्योंकि ये डेटा फिक्स है इसलिए, लेकिन मेरा डेटा नीचे ऐड होता रहता है, कौन सा नाम ऐड होगा इसकी गारंटी तो नहीं है। मैं मान लीजिए मुझे इंदर ऐड करना तो फिर मैं इंदर के पास जाके ऐड करूंगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी ना। तो डेटा मेरा ऐड होते रहता है तो मुझे डेटा शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो मैं यहां पे सीरियल नंबर इंसर्ट करना चाहता हूं विदाउट एडिंग द सीरियल, सॉरी विदाउट एडिंग द बिना विदाउट सेटिंग द शॉर्टिंग द डेटा। कैसे करेंगे तो उसके लिए हमें काउंट इफ की मदद लेना पड़ेगा। तो हमारे पास काउंट इफ मतलब काउंट विद कंडीशन, ये भी इसमें भी इफ आता है तो काउंट इफ होता है। तो काउंट इफ का काम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज में एक पर्टिकुलर सेल वैल्यू को हाईलाइट कर देता है। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो देखिए हमें तो सीरियल नंबर ही लेना है, तो यहां पे क्या करेंगे कि हम छोटा सा, क्योंकि तो यहां पे 17 आ गया तो मतलब कि जहां जहां पूजा आया वहां भी 17 आएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता यहां पे 1 आए और दूसरी पूजा पे 2 आए। उसके लिए हमारे पास उपाय है कि मैं यहां पे फॉर्मूला दूंगा कि इफ, हमने बोला कि अगली सेल वैल्यू E2 से E2 और यहां पे हम E2 मैक्स वाला जो मेथड है वो ले लेंगे। तो सॉरी इफ नहीं देना था, हमें काउंट इफ देना था ना, होना आ गया। अब मैं नीचे इसको ड्रैग करूंगा लेकिन पहले वाली E2 को फ्रीज कर दूंगा ताकि वो फिक्स रहे। जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो दूसरी पूजा पे आता हूं तो देखिए तो जो फॉर्मूला जहां पे फॉर्मूला हमारा लग रहा है वो हमेशा अपने से ऊपर वाली वैल्यू को ही काउंट कर रहा है, नीचे वाली वैल्यू को नहीं, इसलिए आपको सिक्वेंस हमेशा बढ़ते में आएंगे। अगर मैं इसको फिल्टर करूं तो आप देखेंगे कि आपको सिक्वेंस इस तरह से आ गया। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा।